गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो सुबह सुबह उठते ही वॉक पे और बच्चों को छोड़ने जा रहा हूँ स्कूल, और भाई भी है साथ में। फिर वहाँ से छोड़ के आया तो मुझे दिखे देखो उधर पहाड़, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 20 to 25 किलोमीटर्स हैं, और मतलब ज़्यादा दूर भी नहीं है, पास में ही है। और भाई वेदर इतना प्यारा हो रहा है यहाँ का। सुबह सुबह बारिश हो गई थी 3-4 बजे तक, तो इतना मस्त वेदर हो रहा है। तो चलते हैं घर पे, फ्रेश फ्रेश हो गया हूँ, अब नाश्ता खाता हूँ जिसमें पराठे हैं, अचार है, भिंडी है और चाय है। तो इसको खा के फिर थोड़ा बैठ के और फिर निकलता हूँ एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों मैं निकल गया हूँ एग्ज़ाम के लिए खाना वाना खा के, और ये माता जी गाड़ी है तो ये उन्होंने मुझे दे दिया आज के लिए, तो आज इसी से जाऊँगा। और ये देहरादून का घंटाघर, यहाँ से फिर मेरा सेंटर पड़ा है BFIT करके यूनिवर्सिटी, वो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे, तो उधर जाऊँगा। तो फिर मिलता हूँ आपको वहाँ से पहुँच के, या फिर कोई रास्ते में अच्छा सीन मिलेगा तो दिखाऊँगा। तो मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो वो रहे देखो पहाड़, जिसके लिए लोग देहरादून मसूर आते हैं, पहाड़ दिख रहे हैं यार। यहाँ से ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर तो होगा आराम से, 40-50 के आसपास, 40 तो होगा, 25-40, हाँ इतना दूर है देखो, पर पहाड़ दिखे तो कम से कम देहरादून आके। तो वैसे भी मैं बहुत जल्दी निकल गया था, अभी 1 घंटा है और 3 किलोमीटर है दूर, कोई नहीं। तो चलते हैं अपना, स्टार्ट करते हैं बाइक और पहुँचते हैं अपने सेंटर पे। तो भाई मौसम देख रहे हो, धूप होगी भाई, हद है यार, देखो कितनी गंदी धूप हो रही है। धूप हो गई, हम सेंटर पे पहुँच गया हूँ, मेरा सेंटर BFIT, वो भाई खड़ी अपनी। तो सेंटर में जाते टाइम हो गया ऑलमोस्ट, कितना हो गया, 11 बज गया, 11:15 सेंट्री है, एग्ज़ाम दे के फिर निकलते हैं, देखते हैं भाई कैसा जाता है एग्ज़ाम, भगवान करे क्लियर हो जाए, मतलब प्री तो क्लियर हो ही जाएगा, मेंस का देखेंगे फिर। चलो मिलते हैं फिर थोड़ी देर में आपसे। तो भाई अपना एग्ज़ाम हो गया ख़त्म, और इजी तो बहुत था, मतलब कैसे था कि जो मैथ्स और कहते रीजनिंग का था उसका तो कोई लेवल ही नहीं था, ठीक है। और मतलब बहुत इजी क्वेश्चंस पूछ रखे थे, बहुत इजी, मतलब अगर तुमने 1 साल की प्रिपरेशन भी कर रखी ना तो तुम्हारा आराम से निकल जाएगा, ठीक है। और कहते हैं इंग्लिश में थोड़ा था, इंग्लिश में पीक वगैरह ज़्यादा पूछ रखे थे, और सिनोनिम एंटोनिम्स जो थे वो मतलब PYQ नहीं है, ठीक है, नए थे सारे के सारे सिनोनिम एंटोनिम्स। और GS भाई, GS बहुत वास्ट थी, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रखे थे, मतलब 2-4 क्वेश्चन तो बहुत ईजी थे, जैसे गवर्नर का, गवर्नर कौन है, तो ये यार ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते यार, ये इतना ईजी चीज़ें तो बहुत ईजी हो गया, करंट में ये सब पूछा था। और तो लेवल अगर आप तुम देखोगे ना मैथ और उसका कहते हैं रीजनिंग का, तो तुम्हें हंसी आएगी अगर तुम CGL की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। अगर MTS वाले की प्रिपरेशन कर रहे हो तो MTS का हार्ड आता है, अगर MTS तुम्हारा क्लियर है, CPO क्लियर है ना, तो ये भी तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। मगर एक चीज़ है कि जो रीजनिंग का था वो था ना GS बस हार्ड है, ठीक है, जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, बाकी नहीं, मतलब जो इसको रैंक दिलाते हैं, ठीक है, बाकी तो जो थे या कहते हैं वो मैथ्स और रीजनिंग उसका कोई लेवल नहीं था। चलो फिर भाई अपन जा रहा है घर, तो मिलते हैं फिर आपसे थोड़ी देर में। अभी आने वाला है जो आपने मूवी में देखा होगा वो अकेडमी NDA वाली, वो ये अकेडमी मैंने मूवियों में ही देखी है आज तक, तो आज मैंने लाइव देख ली, और भाई बड़ी प्यारी जगह है। मिलता हूँ आपसे फिर अभी रास्ते में, घर पहुँच गया तो भाई मैं आ गया हूँ घर, घर आ गया हूँ, अब खाना वाना खा के खाऊँगा थोड़ी देर में। एग्ज़ाम तो सही हो गया, और कहते हैं वही है, मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि भाई मैथ्स और रीजनिंग तो भाई बिल्कुल टट्टी, मतलब बिल्कुल ही रद्दी आई थी, मैं सोच रहा था सेकेंड शिफ्ट में इतना ईजी आया था, फर्स्ट शिफ्ट में कितना ईजी आया होगा। चलो भाई अब क्या, रिजल्ट के ऊपर देखेंगे, चलो करते फिर बाद में, मैं मिलता हूँ मैं आपसे किसी और जगह। तो भाई रेस्ट करके फिर मैं आ गया भाई के साथ घूमने, तो ये पास्ता चल रहा है अपना, और देखो मैं कहाँ बैठा हूँ, है मस्त जगह भाई,
यहाँ से पूरा सिटी दिख रहा है, मतलब मसूरी से मैं ऑलमोस्ट 3 या 4 किलोमीटर पहले एक मूवी वो है मैगी पॉइंट, वहाँ पे बैठा हुआ हूँ। तो भाई के साथ अपना चल रहा है कोल्ड कॉफी और मौसम धीरे धीरे और मस्त फोटो आ रहा है, मज़ा आ रहा है बैठने में। ऐसा हो तो भाई मैं तो सैटरडे संडे रोज आ जाऊँ अगर मैं देहरादून रहता तो मज़ा ही आ गया। सीरियसली मेरे को स्कूटी चलाते हुए पता है ऑलमोस्ट हो गए 10 साल। घर क्या पहले देखते हैं एक टेम्पल है, नया नया थोड़ी हूँ, साई बाबा का टेम्पल तो वहाँ पे जाएंगे और फिर देखते हैं, और अगर मूड बना तो ठीक है नेक्स्ट डे अपन घर वापस। तो अपन मैं और भाई आए थे यहाँ, कहते हैं साई बाबा टेम्पल, तो ये यहाँ का फेमस साई बाबा टेम्पल है। अक्कू खाना क्या खाना? अरे तुम्हारा नाम क्या? भी कृष्णा भी अक्कू भी कुंज भी चार नाम, स्कूल का सुनाया और घर का आगे। अच्छा मेरा चार नाम क्या? हाँ बताओ। कृष्णा हाँ, खाना अक्कू कुंज। अच्छा तो कितने साल के हो तुम? 7 सात साल के हो, और तुम कितने साल के हो? 6 साल के। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ, और कौन सी क्लास में हो? यूकेजी फर्स्ट। स्कूल का नाम? टचवुड। पूरा स्कूल का नाम? पूरा टचवुड। बस यही नाम है? हाँ। एक और नाम है क्या? वो पुराने स्कूल का था, पुराने स्कूल का नहीं ड्रेस पे लिखा हुआ है वो। मुझे हमारे पूरे स्कूल का नाम का टचवुड ही है ना पूरा। क्या बोल लू अब? बताओ अपने बारे में। क्या बताऊं? कुछ भी बता दो। मैं क्या बताऊं? अरे क्या खाया तुमने अभी? ये लिखा मोमोस खाया तुमने? अच्छा लिटिल वुडियंस, ये क्या नाम है? ये दूसरा नाम है। क्या दूसरा का नाम है? स्कूल का नाम है। अच्छा अरे क्या कहते हैं, क्या बोल रहा था तुमने, क्या खाया अभी? मोमोस। तुमने मोमोस खाए? मैं तो मोमोस नहीं लेके आया। लेके आए हो? अच्छा तुम क्या लेके आया था? मैं अच्छा मोमोज नहीं हाँ। रोल लेके आया था हैं? तो कितने पीस खाए तुमने? मैंने 3 तुमने 3 खाए? तुमने पूरी प्लेट खा की तुम हैं? मैं तुम्हारे बोलने पर थोड़ी लाया था मैं। हाँ लाए थे हैं? तुम्हारे बोलने पर लाया था हाँ? तुम्हारे बोलने पर लाया था। तो अच्छे लगे तुम्हें? तो कल कहाँ चल रहे हो घूमने मेरे साथ? तुम्हें नहीं पता? क्यों नहीं पता तुम्हें? मुझे भी नहीं पता। तुम्हें भी नहीं पता? छुट्टी मार लो, घूमने चल रहे हैं कल। पेपर है तुम्हारे कल? पेपर है हाँ। तो फिर तुम पढ़ी क्यों नहीं रहे? 2 दिन सोल मुझे पोएम याद करनी। क्या क्या किस चीज का पेपर है तुम्हारा? SST। और तुम्हारा? मेरा मैथ। मैथ का है? और तुम पढ़ नहीं रहे हैं? मुझे मैथ का सारा याद है। सारा याद है? चलो 7 का पेटी डाल दो। 7 डाल दो। 7 सुनाते दे दे। अरे 6 का डालो। तुम्हें क्या था? मुझे तो टेबल छोड़ छोड़ मुझे आते। अच्छा 11 का याद है और 10 का याद है, वैसे 10 9 का याद है, 10 का और क्या करते 6 का याद है, 4 का 3 का 2 का 7 और 8 का याद क्यों नहीं है? ओ पर भाई तो याद भूल गया। बताओ ये लिखा। चलो अब जो तुम्हारे उसमें पैसे नहीं रखे, 10 रुपये जो रखे हैं तुम्हारे, वो मैं ले लूँगा है, क्योंकि तुम्हें तो आता नहीं कुछ पढ़ने लिखना, पैसे क्या करोगे तुम हैं? बताओ चीज खाओगे? कितनी चीज खाओगे तुम? खाना तुम्हें खाना नहीं है। चलो अब तुम इसको ना वीडियो को ना तुम यूट्यूब पे देखना। तो बच्चों के साथ पंधिया करने के बाद अगर खाना खाने की पारी, और यहाँ पे चल रहा है क्या कहते हैं 3 इडियट्स आ रही थी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में।